मेरा एक ख्वाहिश है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। थैंक यू सो मच। MTV Unplugged, Royal Stag Barrel Select, ये अनोखा ही एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे देश में ज़्यादा है नहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम फाइनली आफ्टर 3 years आई थिंक आई एम बीइंग एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड और जो हमारे बाकी सारे टैलेंट्स हैं एंड दे आर लिटरली आई एम जस्ट ह्यूज फैन ऑफ विशाल सर, रेखा जी एंड शंकर जी एंड एवरीवन, आई एम जस्ट ह्यूज फैन ऑफ देयर वर्क। I feel very happy and बोलते ना satisfaction होता है, because I'm known as a playback singer, but as a musician I got to explore and express in my own ways, जो मुझे बाकी you know वो मौका मिलता नहीं है just as a singer. So वो अपने दोस्तों के साथ आई मीन माई म्यूजिशियन फ्रेंड्स के साथ जैम करके एक सेशन तैयार करके उसको अपने खुद के ऑडियंस के लिए पेश करना, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, हम लोग जिंदा ही है उसके वजह से, एंड सो व्हेन दे अलाउ यू टू डू इट लाइक अ फ्री बर्ड, नथिंग लाइक इट, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। तो मैं मेरा नर्वसनेस यही था कि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ लेस इज मोर, हम लोग बहुत प्रोडक्शन, मेरे भी खुद के कितने सारे गाने विशा पॉपुलर बहुत प्रोड्यूस्ड है, एंड सो वो डर लगता है कि शायद हमारे इंडियन ऑडियंस लेंगे कि नहीं, क्योंकि आई बिलीव लेस इज मोर कि हम अगर ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर पेश करेंगे उनको पसंद आएगा कि नहीं, पर ऑब्वियसली आता है, दैट्स व्हाई अनप्लग्ड इज रनिंग सो ब्यूटिफुली। डर लगता है एवरी टाइम यू गो अप ऑन स्टेज और इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन, एक डर लगता है बट दैट इज़ नॉट कि खराब हो जाएगा उसका, बट फॉर दिस मोमेंट इट वॉज मोर लाइक मेरा आई वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश, जो हम मेरे सारे जो माई बैंड गाइज जब हम लोग परफॉर्म करते हैं यू नो लाइव, हम ये ओरिजिनल नहीं ऐसे नहीं बजाते, हम लोग डिफरेंट, इनफैक्ट एवरी ईयर हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट के साथ बजाते हैं, सो आई वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हम जब जैम करते हैं नेचुरली म्यूजिशियंस का क्या क्या आता है यू नो एक्सप्रेशंस एंड स्टफ, वो आई होप कि हमने अचीव किया है और आई होप वी कैन कनेक्ट विद देयर सोल्स। अरे सीखने का तो अभी जब देखूंगी तब मिलेगा, पर द फैक्ट दैट यू नो आई फील आई एम वेरी यंग लाइक दैट टू बी अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, मोर देन एनी थिंग जहाँ पर मैं खुद एज ऑडियंस मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनके, मैंने ह्यूज फैन ऑफ विशाल सर, ह्यूज फैन ऑफ रेखा जी, एंड मतलब आई हैव बीन लिसनिंग टू देम सिंस आई डोंट नो व्हेन, एंड शंकर जी तो लेट्स नॉट इवन टेक हिज नेम, लाइक ही इज जस्ट दे आर ऑल लिविंग लेजेंड्स ऑफ आर कंट्री, तो उनके साथ अगर मौका मिलता है टू इवन शेयर द सेम स्टेज इज ऑलवेज बीन अ प्लेजर, एंड शंकर जी और मेरा तो ताल्लुकात है फ्रॉम द शो दैट वी डू, सो इट्स जस्ट आई कांट वेट, बोलते हैं ना एक्साइटमेंट होता है लाइक कि अभी आने वाला है उनका एपिसोड, वो गाने मुझे सुनने कैसे है, आई एम जस्ट वेटिंग टू हियर दोज सॉन्ग्स दैट दे हैव रिक्रिएटेड, द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट दे ऑलरेडी हैव डन। तो सैक्रिफाइसेस तो अभी तक पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली टिप्स तो सबसे जितने टिप्स ले सकता हूँ उतने टिप्स तो लूँगा ही, ऑब्वियसली जब वो घर पे ही रहते हैं तो जब ही म्यूज़िक की बात चालू रहती है साथ में रियाज होता है तभी तो ऑब्वियसली जितने जो भी मुझे म्यूज़िक के बारे में नॉलेज मिल सकता है वो पूछता हूँ और फिर दैट्स हाउ आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे कम डांटने वाले पिता है सच्ची बताऊँ।